अयोध्या तो झांकी है, क्या अभी 2000 मंदिर बाकी हैं? क्या 2000 मंदिरों के उद्धार का भी परम आदेश आ गया है? क्या इन 2000 मंदिरों के उद्धार में भी कानून का साथ मिलेगा? क्या इन मंदिरों के उद्धार में भी मोदी और योगी का होगा अहम रोल? दोस्तों, ऐसा माना जा रहा है कि अयोध्या में भगवान रामलीला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ देश के करीब 2000 मंदिरों के उद्धार का रास्ता खुल गया है। इस रास्ते को खोलने में भगवान राम की कृपा के साथ साथ भारत के कानून और केंद्र की मोदी सरकार और यूपी की योगी सरकार जैसी कुछ राज्य सरकारों का सहयोग भी अहम रोल कैसे अदा करेगा, आज हम इन्हीं करीब 2000 मंदिरों का राज्यवार ब्यौरा आपके सामने रखेंगे। साथ ही हम आपको बताएंगे कि इन मंदिरों के उद्धार का रास्ता कैसे खुल रहा है। बस आप देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, भारत के महान हिंदू चिंतक, इतिहासकार और लेखक सीताराम गोयल ने दशकों पहले साक्ष्य के साथ 1800 से ज्यादा हिंदू, जैन और बौद्ध मंदिरों का ब्यौरा दे दिया था, जिन्हें तोड़कर मस्जिद, दरगाह, मजार या मकबरा बना दिया गया। 1990 में इतिहासकार सीताराम गोयल ने अरुण शौरी, हर्ष नारायण, जय दुबाशी और राम स्वरूप के साथ मिलकर हिंदू टेम्पल व्हाट हैपेंड टू देम शीर्षक से एक किताब प्रकाशित की थी। ये किताब दो खंडों में है। इस पुस्तक में सीताराम गोयल ने 1800 से अधिक मुस्लिमों के द्वारा बनाई गई इमारतों, मस्जिदों और विवादित ढांचों का पता लगाया था, जो मौजूदा मंदिरों पर या नष्ट किए गए मंदिरों की सामग्री का इस्तेमाल करके बनाए गए थे। कुतुब मीनार से लेकर बाबरी मस्जिद, ज्ञान व्यापी मस्जिद, पिंजौर गार्डन और अन्य कई जगहों का जिक्र इस किताब में मिलता है। इस किताब में ये भी लिखा है कि हिंदू मंदिरों को कैसे ध्वस्त किया गया और इससे जुड़ी जानकारियों के बारे में ब्रिटिश और मुस्लिम दोनों इतिहासकारों ने अपने अपने तरीके से क्या लिखा। जैसे ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारत को गुलाम बनाने और यहाँ राज करने को सही ठहराते हुए मुगलों द्वारा की गई क्रूरता और बर्बरता को गलत करार दिया है, इसके लिए उन्होंने कई सबूत जुटाए। इसके विपरीत मुस्लिम इतिहासकारों ने इस्लाम के संरक्षक शासकों का महिमा मंडन करते हुए बताया कि कैसे मुस्लिम आक्रमणकारियों ने मंदिरों को तोड़ा और उनके स्थान पर मस्जिद का निर्माण किया, और इसके लिए उन्होंने जिन शिलालेखों और साक्ष्यों का जिक्र किया वो भी इस किताब का आधार बने। दोस्तों, खास बात है कि किताब में जिन मुस्लिम और ब्रिटिश दस्तावेजों के अंश को कोट किया गया है, उनको किताब के प्रकाशित होने के 34 साल बाद भी आज तक कोई चुनौती नहीं दे पाया है। इस किताब में भारत के अलग अलग राज्यों में कितने मंदिरों को तोड़कर मस्जिद या अन्य मुस्लिम इमारतें बनाई गईं, उन्हें संख्या के साथ दिया गया है। किताब में यूपी के 299 स्थलों का उल्लेख है, जो मंदिर की सामग्री और मंदिर के स्थानों पर बनाए गए थे। आगरा की कला मस्जिद का निर्माण मंदिर की सामग्री से किया गया था। आगरा में ही अकबर के किले में नदी के किनारे का हिस्सा जैन मंदिर के स्थान पर बनाया गया था। अकबर का मकबरा भी एक मंदिर के ऊपर ही खड़ा है। इलाहाबाद में अकबर का किला मंदिर को तोड़कर बनाया गया था। अयोध्या में राम जन्मभूमि के स्थल पर बाबरी मस्जिद का निर्माण किया गया था, हालांकि उस विवादित ढांचे को ध्वस्त कर दिया गया है और उस स्थान पर अब भव्य राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, और वहां 22 जनवरी को भगवान रामलीला की प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई है। गोरखपुर में इमामबाड़ा एक मंदिर के स्थान पर बनाया गया था। लखनऊ में टीले वाली मस्जिद एक मंदिर के स्थान पर बनाई गई है। मेरठ में जामा मस्जिद एक बौद्ध विहार के खंडर पर स्थित है। वाराणसी में ज्ञान व्यापी विवादित ढांचे को विश्वेश्वर मंदिर की सामग्री का उपयोग करके बनाया गया है। जौनपुर की अटाला मस्जिद अटाला देवी मंदिर को तोड़कर उसके अवशेषों से बनाई गई है। दूसरे राज्यों की तरफ बढ़े तो किताब में आंध्र प्रदेश में ऐसी 142 जगहों की पुष्टि की गई है, जिनमें प्रमुख है कदरी में जामी मस्जिद, पेनुकोंडा में शेर खान मस्जिद, बाबिया दरगाह जो इवारा मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। किताब में असम के दो मंदिरों का उल्लेख किया गया है, ये दो हैं पुआ मस्जिद और सुल्तान गयासुद्दीन बलबन की मजार। पश्चिम बंगाल में 102 जगहों पर मस्जिदें, किले और दरगाह हैं, जिन्हें मुस्लिम शासकों ने मंदिरों को नष्ट करके बनाया था। लोकपुरा की गाजी इस्माइल मजार को वेणुगोपाल मंदिर को तोड़कर बनाया गया था। बिहार में कुल 77 जगहों पर मंदिरों को नष्ट करके या फिर उनकी सामग्री का इस्तेमाल करके मस्जिदों, मुस्लिम इमारतों और किलों को बनाया गया था। भागलपुर में हजरत शाहबाज की दरगाह 1502 में एक मंदिर की जगह पर बनाई गई थी। पटना में शाह जुम्मन मदारिया की दरगाह एक मंदिर की जगह पर बनाई गई थी। किताब में दिल्ली में ऐसी 72 जगह बताई गई है, जिनमें कुतुब मीनार,
कुवतुल इस्लाम मस्जिद, इल्तुमिश का मकबरा, जहाज महल, अलल दरवाजा, अलल मीनार, अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा और माधी मस्जिद शामिल हैं। किताब में गुजरात की 170 ऐसी जगहों के बारे में बताया गया है जहां मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाए गए हैं। असवल, पाटन और चंद्रावती के मंदिरों को नष्ट कर इनकी सामग्री का इस्तेमाल अहमदाबाद को एक मुस्लिम शहर बनाने के लिए किया गया था। हरियाणा में भी कुल 77 जगहों का उल्लेख किया गया है। नूह में मंदिर की सामग्री का उपयोग कर 1392 में ही मस्जिद का निर्माण कर दिया गया था। कर्नाटक में कुल 192 स्थान हैं। बेंगलुरु के डोडा बल्लालपुर में चिश्ती की दरगाह मंदिर की सामग्री का उपयोग करके बनाई गई थी। काफी पुराने हिंदू शहर बीदर को बदलकर एक मुस्लिम राजधानी का निर्माण किया गया था। किताब में मध्य प्रदेश के भी 151 स्थलों का उल्लेख है। भोपाल में कुदसिया बेगम द्वारा जामी मस्जिद का निर्माण किया गया था, जहां कभी सभा मंडल मंदिर हुआ करता था। महाराष्ट्र के 143 स्थलों के बारे में यहां बात की गई है। मैना हज्जम की मजार मुंबई में महालक्ष्मी मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। मुंबई में जामी मस्जिद एक मंदिर स्थल पर बनाई गई थी। उड़ीसा में 12 ऐसी जगह हैं जहां पर मंदिरों को तोड़कर उनके स्थान पर मस्जिद, दरगाह और मजार बनाई गई हैं। बालेश्वर में महल्ला सुन्नत में जामी मस्जिद श्री चंडी देवी के मंदिर के स्थान पर बनाई गई थी। किताब में पंजाब की ऐसी 14 जगहों का जिक्र है। लुधियाना में अली सरमस्त की मस्जिद भी एक मंदिर के स्थान पर बनाई गई है। राजस्थान के 170 स्थलों का यहाँ उल्लेख है। पहले अजमेर एक हिंदू राजधानी हुआ करता था, जिसे मुस्लिम शहर में बदल दिया गया। किताब में तमिलनाडु के 175 स्थलों का उल्लेख किया गया है। तिरुचिरापल्ली में नाथर शाहवाली की दरगाह एक शिव मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। मंदिर के लिंगम का उपयोग लैंप के रूप में किया गया था। दोस्तों, 1991 में केंद्र की कांग्रेस सरकार ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाकर ये कानून बना दिया कि 15 अगस्त 1947 से पहले मौजूद किसी भी धर्म के उपासना स्थल के स्वरूप को बदलकर किसी दूसरे धर्म के उपासना स्थल में नहीं बदला जा सकता। इसका मकसद था कि हिंदू समुदाय सभी ऐसे मंदिरों पर अपना दावा छोड़ दे जिनका 15 अगस्त 1947 के पहले स्वरूप निर्धारित हो चुका है। लेकिन विष्णु शंकर जैन जैसे विद्वान वकीलों ने इस कानून के तहत ही ऐसी दलीलें पेश कर दी कि अब ये कानून मंदिरों के उद्धार में ज्यादा बाधक नहीं रह गया है। विष्णु शंकर जैन की दलील है कि हम धार्मिक उपासना स्थल को चैलेंज नहीं कर सकते, लेकिन उसके स्वरूप को तो चैलेंज कर सकते हैं और अदालत ये निर्णय करे कि वास्तव में उसका स्वरूप क्या है। इस प्रकार अब ये कानून भी ऐसे 2000 मंदिरों के उद्धार में सहायक ही साबित हो रहा है। उधर केंद्र में जब से मोदी सरकार आई है और यूपी, एमपी, राजस्थान, असम, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और गोवा जैसे राज्यों में बीजेपी सरकारें आई हैं, तब से सरकार का रवैया भी बदला हुआ दिख रहा है। पहले की ज्यादातर सरकारें ऐसे मसलों पर अड़ंगा ही डालती रही हैं, लेकिन बीजेपी की सरकारों में ऐसा नहीं है। सरकारों का रुख निष्पक्ष होने के साथ साथ बाधक बनना नहीं रह गया है। ऐसे में सनातन हिंदू धर्म के मानने वालों में उम्मीद जगी है कि उनके जिन मंदिरों को तोड़कर दूसरे धर्मों के पूजा स्थल बना दिए गए, उन्हें वे वापस पा सकेंगे और अपनी धार्मिक भावनाओं के अनुसार वहां पूजा कर सकेंगे। उनके अंदर आस जग गई है और वो कहने लगे हैं कि अयोध्या तो झांकी है, हजारों मंदिर अभी बाकी हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अब आप इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल द कर्मा को भी सब्सक्राइब करें। और हाँ, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।